नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे। आज जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो शायद ही आपको पता होंगी। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हमारे खेत से निकलते हैं, ये वेस्ट हम जलाते हैं। क्या इसको जलाना अच्छी बात है? हमारे भारत में 70% लोग जो है खेती कर, इस खेती के कारण यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाए जाते हैं इसका हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इसका बहुत बेकार इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या सही में एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाया जाता है? तो इसका, इस सवाल का जवाब है जी हाँ। खेत में जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट निकालते हैं वो जलाए जाते हैं और इसका हमारे टोटल ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चर हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है। एक स्टडी के मुताबिक कहा जाता है कि 149.24 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जलाने की वजह से। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो है इसका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता, तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो 9 मिलियन टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एवरी ईयर रिलीज होता है। 0.25% सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं। 1.28 पर्टिकुलेट मैटर्स जो हवा में घूमते रहते हैं। 0.07 ब्लैक मैटर्स, ब्लैक कार्बन्स भी हवा में घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाने की वजह से होते हैं। तो क्या ये रेसिड्यू हम ना जलाकर कुछ हमारे बिजनेस के लिए इसका फायदा कर सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली हम इसी रेसिड्यू को हम एनिमल्स को हम फीड दे सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं, इसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, इसका बायोफ्यूल्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स भी इसके बना सकते हैं। इसके बावजूद भी एक दूसरा एक बिजनेस है जो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो बिजनेस है मशरूम्स का। जी हाँ, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से हम ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी कम से कम खर्चे में। जो भी आपका एग्रीकल्चर में विट स्ट्रॉ है, पैडी स्ट्रॉ है या फिर कॉटन स्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो आप यूज़ करके मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ऑयस्टर और मिल्की मशरूम ऐसा उत्पादन है जो आप कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और बेनिफिट, आप प्रॉफिट आप पा सकते हो। यहाँ पर अगर आप 30 रुपये की लागत लगाते हो तो कम से कम इसका 300 रुपये ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब आप 10 times ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट होगा। तो जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उससे आप कई गुना ज़्यादा आप प्रोडक्शन निकाल पाओगे। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एक ऐसा रेसिड्यू है जिसमें सेल्यूलोज होते हैं और ये सेल्यूलोज मशरूम के लिए एक फूड सोर्स है जहाँ से मशरूम्स उगते हैं। मशरूम एक ऐसा फंगस है जो एक ट्री ट्रंक पे या फिर जहाँ पर उसका फूड सोर्स मिलता है वहाँ पर ये उग जाते हैं। तो ये इजीली, बेहद इजी स्टेप से हम मशरूम ग्रो सकते हैं। मेरी कंपनी है GBS मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो काफ़ी 3 साल से काम कर रही है मशरूम्स में और एक बड़ी हम यहाँ पर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो जो भी फार्मर्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कृपया सभी किसान भाइयों से मुझे विनती है कि आप जो आपके खेत में एग्रीकल्चरल रेसिड्यू निकलता है वो जलाइए मत, उसका इस्तेमाल करिए, या फिर आप अपने हुए एनिमल्स को, आपके खेत में हुए एनिमल्स को आप उसको फीड कर सकते हैं, या फिर उसका आप कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर मशरूम की खेती भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारे भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ज़्यादा लेवल पर एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाते हैं और 10 दिसंबर 2015 से इसका कानून भी बनाया गया है, NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये इसके तहत हम एग्रीकल्चर रेसिड्यू जला नहीं सकते हैं, ये NGT ने इसको बैन किया है। थैंक यू, धन्यवाद।